नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आई रुख करते हैं खबर की ओर। आपको बता दें कि पूरा मामला शासकीय प्राथमिक शाला ओटगन का है, जहां प्रधान पाठक गोपाल सिंह रोसिक के रवैये से ग्रामवासी आक्रोशित है। ग्रामवासी द्वारा प्रधान पाठक को कई बार समझाइश दी गई और उनके रवैये में सुधार करने की अपील की गई, लेकिन शासकीय प्राथमिक शाला ओटगन के प्रधान पाठक गोपाल सिंह रोसिक अपने हरकत से बाज नहीं आए और अपने हरकत दिखाना शुरू कर दिया। काफी दूर से सड़क पार कर बच्चों को पानी लाने के लिए मजबूर कर दिए। बच्चे अपने पढ़ाई छोड़कर बड़ा बड़ा बाल्टी में पानी लाने के मजबूर हैं। ग्रामवासी द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत करने के बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। आखिरकार शिक्षा अमला प्रधान पाठक की लापरवाही पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ग्रामवासियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामवासी द्वारा प्रधान पाठक गोपाल सिंह रोसिक को बार बार समझाइश देने के बाद भी अपने रवैये को सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े बाल्टी में बच्चों से पानी मंगवाते हैं एवं प्रधान पाठक स्कूल के समय में टी शर्ट और चड्ढा में स्कूल आते हैं। कीटनाशक दवा स्पीयर को स्कूल में रखते हैं। स्कूल समय में अपने खेत में दवाई छिड़काव करने चले जाते हैं। बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं और ना ही इसकी जानकारी दिया। अब देखना यह होगा कि खबर प्रशासन के बाद शिक्षा अमला उच्च अधिकारी होश में आते हैं या नहीं, प्रधान पाठक रोशिक की लापरवाही के प्रति कार्रवाई करते हैं या फिर लीपा पोती कर छोड़ दिया जाएगा। अशोक मनहर की रिपोर्ट। आप समस्या लेके प्राथमिक शाला ओटगन आए हो, यहाँ का कुछ समस्या रही से का विषय लेके आए? समस्या ये है कि सब जगह झंडा फहराते, हमारे ओटगन में झंडा फहराए कि नहीं फहराए कोई पूछे नहीं है। गांव के मन ला सदस्य मन ला सदस्य भी नहीं पूछे ना, गांव के वरिष्ठ नागरिक मन ला बुजुर्ग है तो कोई बुलाए भी नहीं और खुद झंडा फहराते हर साल। यहाँ तक के सरपंच तक ले भी नहीं पूछ, सरपंच ले भी नहीं पूछना है। आप मन ये समस्या लेके स्कूल आए हैं तो स्कूल में प्रधान पाठक के का कुछ कहना है? प्रधान पाठक जब हम आए तो प्रधान पाठक ने रुके कहें तो भाग के समझ से बात करो बहन था फोन करें तो वापस आईस। ओकर बाद में अब लड़का मन के बारे में पूछे तो क्लास में चौथी क्लास में तीन जने लड़का है बोलीस, सर जी है प्रधान पाठक है और पांचवी में सात जन बोलीस। तो हमन पूछे कि बच्चा मन के का नाम है, चौथी क्लास में तीन जन है तो सर कुछ बता नहीं पाइस, बच्चा मन के नाम नहीं बता पाइस, जेला अटेंडेंस डेली लेते उकर नाम भी नहीं बता पाइस। पढ़ाई लिखाई के का इस तरह हवा, आप मन आए हैं तो का कुछ पता चली से प्रधान पाठक से? प्रधान पाठक बच्चा मन के नाम नहीं बता सकते तो का पढ़ाते हुए लड़का मन ला। आप मीडिया के माध्यम से का कुछ चाहा था? मीडिया के माध्यम से हम का वो हम तो ऐसे गुरु जी ला तो हम तो गाँव में रख नहीं सकते हम, या तो फिर अच्छा पढ़ाई कराए अगर रहना है तो। पहली बात तो ला रखना नहीं है यहाँ पर कावा, जबकि वो खुद अपन हाथ में लिखते ओला हमन कल पूछे तो वो अपन जवाब नहीं दे सकी कि का ढंग से लिखे हैं, वो खुद ला पता नहीं है तो लेकिन ला का पढ़ाई। यहाँ तक सामने में जो बच्चा खड़े रही से सर एकर का नाम है कभी जब पूछे तो वो भी नहीं बता पाइस कि नाम का नाम है तेला तो पढ़ात का हो। ऐसे हमन ला चाहिए कि यह कुछ नहीं जानत रही से कोई हमन युवा बेच के जितना जन आए हैं, हालांकि गांव के है गांव के जो कोई पूछे नहीं है तेकर वजह से हम यहाँ आए हैं और आज कल पूछे हैं। अब यहाँ तक वो ये कही से कि गांव से मोला मतलब नहीं कहा थे गुरु जी है, तब बोला यहाँ रख के ही क्या करबू, यदि उधर यहाँ पढ़ाई वह यहाँ रही तो हमारे लड़का कोई नहीं, कोई लड़का नहीं भेजन हम गाँव के तरफ से। का कुछ चाहा था ऐसे स्थिति में प्रधान पाठक ला रखना चाहा थे स्कूल में कि नहीं रखना चाहा? पहली बात तो प्रधान पाठक लिए यहाँ रखना ही नहीं चाहता का, जब वो खुद अपन खुद हैंड राइटिंग लिखा तेला खुद बोला पता नहीं कि का लिखे हाँ तेला तो भी लेके आना बहुत ये हो जाए अंधकार में ही कोई मतलब ही नहीं हो यहाँ पढ़ाए के। यहाँ का वातावरण भी ठीक नहीं है सर, देखिए सर जैसे साफ सफाई भी नहीं रहना, बोल आए दिन उठाना, ये तो अपन गुरुजी अपन फुर्सदे नहीं है खेती बाड़ी रहा। आज अभी आपके सामने में प्रधान पाठक लड़का मन पानी लेहे बर भेजे रही से बाल्टी भर भर के पानी लेके आत रही पहली कक्षा के लेकर मेन रोड है, आए दिन गाड़ी मोटर चलत है सर, मतलब जाना भी नहीं कोई ला काबर ओला तो मतलब ही नहीं स्कूल से, मतलब अपन
अपन से मगन रहे सर, हमन चाहथन कि यहाँ सुधार हुआ स्कूल में। अपन बोर आए दिन बने रहते, अब 100 रुपया के बोल अभी अपन नहीं फिट कर सकते नल ला, सिर्फ अपन स्कूल से आए से मतलब जा से मतलब बच्चा मन की कोई भविष्य चिंता नहीं सर। साला अनुदान राशि आते होकर बावजूद भी 100 रुपया खर्च नहीं कर सकते करते सर, और कुछ पता नहीं है, खाली आते जाते का झंडा फहरा दे, कुछ नहीं हुआ सर, वो आते अपन काम से चल देते सर, अपन का बोर भी ठीक नहीं है अभी का कुछ चाहा था प्रधान पाठक, पूरा सुधार करना चाहता था प्लस यहाँ से इसको निकाल दिया जाना चाहिए सर। अब जब बच्चा मतलब अपन पढ़ाते खुद पता नहीं है कौन क्लास में कितना बच्चा है पता नहीं है, जल संख्या कितना पता नहीं है। पहली बात तो सर झंडा पह रही अपन गांव में, कोई नहीं पूछे, अपन अकेला कर रहे हैं, यहाँ तक सरपंच अपन का पंच लभी नहीं पूछे, तो मतलब का है अपन यहाँ प्रधान पाठक रखे के? भाई पालक मन ला बनाना चाहिए, जानकारी बताना चाहिए कि सर का काम होते का नहीं होते, का करना है अपन, मतलब नहीं बोलते अपन प्रधान पाठक जी रोकर से अच्छा है कि दूसरा प्रधान पाठक जी है। यहाँ तक कि सफाई भी नहीं है, अपन देख लो मैदान ला भी देख लो सर, सफाई पे भी नहीं है, यहाँ बोर्ड ठीक नहीं है, बच्चा मतलब आप उच्च अधिकारी ला का मैसेज देना चाहता था मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपन उच्च अधिकारी देना चाहता हूँ कि सर अपन गाँव के उद्गन के की स्कूल अच्छा से बनाना चाहिए और अच्छा प्रधान पाठक भेजना चाहिए, जो लड़का उनके बहुत सोचे कहा मेरे लिए पानी लाना था जी सड़क मेरे ला ओते घन पानी सक गए दू झना ने हाँ। कौन किस्त मान लो पानी नाने बा सर जी है ठीक। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।